हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी मैं हूँ पुणे का शनिवार वाड़ा में। पुणे का ये मेरा डे टू है। और इससे पहले आपने देखा कि पुणे में मैंने कैसे पहुँचा, कल मैंने आपको गणपति टेम्पल भी दिखाया था। अभी मैं शनिवार वाड़ा में खड़ा हूँ। अभी टाइम हो गया, काफ़ी लेट में मैंने स्टार्ट किया है एक्चुअली। और होटल मैंने आपको कल देखा दिया, तो होटल से करीब 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस में ही है। अभी सुबह मैंने नाश्ता भी कुछ खास नहीं किया, बस चाय बिस्किट लिया था। अभी मुझे इससे निकलने के बाद फिर नाश्ता भी करना है। अभी मैं आपको शनिवार वाड़ा पूरा घूम के देखूँगा। और यहाँ पर शिवाजी रोड जो है ना, शिवाजी रोड के साथ में ही है, जो पुणे में रहता है उनको तो पता ही है कि शनिवार वाड़ा बिल्कुल फेमस है। और एंट्री चार्ज है 25 रुपये। इसके बाजू में आपका लाल महल भी है, लेकिन लाल महल आज भी थोड़ा मैंने गया था, लेकिन वो रिनोवेट के लिए बंद है, कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग, और आपको सबसे पहले शनिवार वाड़ा घुमा के दिखाते हैं। शनिवार वाड़ा का मतलब होता है वीकेंड होम। इसको बनवाया था 1732 में छत्रपति साहू के प्रधानमंत्री पेशवर बाजीराव वान ने। अभी आपने जो गेट देख रहे हो, इसको दिल्ली गेट बोलते हैं, जो नॉर्थ फेस में है। इसके अलावा बाकी और 4 गेट भी है, जैसे कि खिड़की दरवाज़ा, मस्तनी दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, और एक इम्पोर्टेंट है नरवन दरवाज़ा। नरवन दरवाज़ा एक्चुअली इसका जो 9th पेशवाड़ा था, नारायण राव पेशवार, उसके नाम से बनाया गया था। और इसने बहुत कम उम्र में, इसके अंकल और आंटी ने इसको इसी गेट के सामने इधर हत्या किया था। और यहाँ के लोकल लोगों को ये मानना है कि आज भी यहाँ पे नारायण राव पिछवाड़ा का आहट सुनाई देता है, जिसके लिए आज भी इंडिया का मोस्ट टॉप हॉन्टेड प्लेस में से आपको नरवन दरवाज़ा का नाम दिखाई देगा। और इसका जो टिकट है, टिकट 25 रुपये टिकट, और टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक आपका टिकट मिलता है। अभी देखो, मैं आपको लेकर जा रहा हूँ सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ना, उसमें जहाँ से हमने एंट्री किया, और बिल्कुल उसके सीधा ऊपर, सबसे ऊपर ही है ये इधर हम चल रहे हैं। अभी आप जो देख रहे हो, एक पाए फुआरा बना हुआ था 16 पंखड़ियों का, और 1000 फुआरे के साथ एक फाउंटेन बना हुआ था। आपको जो लाल महल के बारे में बात कर रहा था ना, अभी लाल महल आप देख सकते हो मेरे सामने, ये वाला वही है लाल महल, लेकिन अभी कुछ काम चल रहा है उस वजह से बंद है। और अभी आप देखो, इधर मैं ऊपर आ गया, और एक पूरा राउंड करके है, मतलब स्क्वायर में बिल्कुल राउंड करके है। और ये जो आप नीचे देख रहे हो, इसमें आपका आर्कियोलॉजिकल इंडिया का रिसर्च है जो इसके ऊपर काम करता है। तो मैं नानावाड़ा बिल्डिंग भी देखा रहा हूँ। नानावाड़ा बिल्डिंग है जो आप देख रहे हो ना मेरे सामने, ये नानावाड़ा बिल्डिंग है। आपको हर कॉर्नर पे ना, ऐसे जैसे फोर स्क्वायर पे मैंने बोला ना, चारों तरफ घूम के जाना है, तो हर कॉर्नर पे आपको ऐसे एक गोल राउंड मिल जाएगा बैठने के लिए। और जैसे मैं देख रहा हूँ, उस तरफ से एक कॉलेज था, HB नाम का कुछ, HB कॉलेज बोल रहे थे उसका, तो और बैठने की जगह है, और एक ऐसे पीला भी साथ में है। अब घूमा और फिर थोड़ा सा आपको अभी आगे लेके चलते, आगे दिखाते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर रहा था कि जैसे आप एक तरफ से दूसरे कॉर्नर पे जा रही हो ना, तो आपको बीच में ऐसे एक दो नीचे सीढ़ियाँ मिल जाएगा नीचे जाने के लिए, या नीचे से कोई ऊपर आना चाहता है तो हर कॉर्नर पे ऐसे सीढ़ियाँ है। आप किसी भी तरफ से कॉर्नर से ऊपर आ जाओ, या तो मिडिल से भी आप ऐसे सीढ़ियाँ से ऊपर आ सकते हो। अभी मैं आपको मेन गेट जो है उसके ऊपर का जो टेरिस्ट है उस तरफ लेके जा रहा हूँ। भी ऊपर पहुंच गए, इसको देख के थोड़ा सा इस तरफ जो देख के मुझे ना जयपुर का जो नाहरगढ़ फोर्ट या हवा महल उसका याद आ जाता है। अभी आप जो देख रही हो ना, ये दिल्ली गेट के बिल्कुल ऊपर में बना हुआ है, इसको नगरखाना बोलते, और ये टोटली आपका ऊपर आप देख रही हो लकड़ी का बना हुआ है।
देखो उस जगह पे पहुंच गया मैंने जहाँ से हमने ऊपर आया था, और ऊपर आके हमने उस टाइम इधर से जाके ऊपर गया था, और अभी इधर से आ रहे मतलब पूरा राउंड दे के आप एक तरफ से जाके दूसरी तरफ से आना है आपको। सामने जो फुआरा है जिसको मैंने आपको ऊपर से व्यू दिखाया था, इसके साथ में आपका शाही दावत भी लगते थे। और एक चीज़, पहले इसका प्लानिंग था पत्थर से बनाने के लिए, लेकिन बाद में जब इसका स्ट्रक्चर बन गया फिर उसको ईंट से बनाया गया था। और एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, वे कि 1828 में जब आपका शनिवारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, उस टाइम एक भयानक आग लग गया और पूरा एक हफ्ता एक आग लगा था, जिसमें पूरा शनिवार वाड़ा मतलब जो भी यहाँ पे बना हुआ था सब खत्म हो गया। तो अभी आप बिल्कुल अंदर जो देख रहे हो ना, खाली खाली जगह देख रही हो। शनिवार वाड़ा के बाद अभी हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अभी मैं खड़ा हूँ रोकादोबा टेम्पल के सामने, लेकिन अभी ये दोपहर के टाइम बंद है, ऐसे कल 4:30-5 बजे के बाद खुलता है। तो कभी भी आएंगे तो 4:30-5 बजे के बाद आ जाना। और इसके बाजू में आपको PMC एविएशन गैलरी भी है, लेकिन वो अभी बंद है, मतलब वो शायद मेरे हिसाब से अभी बंद चल रहे थे, कुछ उसका भी काम हो रहा है। मैं अंदर से पता किया था जाके तो उसके अंदर भी काम हो रहा है, तो उसकी वजह से वो भी बंद है। अभी मैं पहुँच गया पातालेश्वर केव में, जो पुणे का एक और फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जिसको बनाया गया था 8th century में। और ये आपका जंगली महाराज रोड यानी JM रोड के ऊपर बनाया है। और कहते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको एलिफेंट केव का आपने शायद नाम सुना होगा, जब भी आप कभी मुंबई दर्शन में गया होगा अपने एलिफेंट में जरूर गया होगा, तो वही एलिफेंट केव का इंस्पायर में इसको बनाया गया था। और इसके अंदर एक आपको मैं दिखा रहा हूँ लॉर्ड शिवा का भी मंदिर है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ पतलेश्वर टेम्पल के अंदर। पतलेश्वर टेम्पल आपको एक बार पहले दर्शन करवा देता हूँ, फिर इसके बारे में बात करते हैं। अभी मैं अंदर आ गया, और अंदर आते ही आपको इधर टेम्पल दिखाई देगा, अंदर आप दर्शन कर लो। इसका जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक डेली ओपन रहता है। इसको आप जंगली महाराज मंदिर नाम से भी जाना जाता है। और बाहर अभी सच्चा गर्मी है, लेकिन अंदर जैसे आप इधर एंट्री किया ना, ये जो गेट देख रहे हो, इस गेट के अंदर जैसे हमने एंट्री किया बिल्कुल इधर इतना ठंड लग रहा है, मतलब 2 मिनट के अंदर मुझे एक रिलीफ फील हो रहा है। अभी इसका मेंटेनेंस जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। और पेंटिंग का शौकीन स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे देखा, जो यहाँ पे आके बैठ के पेंटिंग करते हैं काफ़ी टाइम। और इनका जो स्ट्रक्चर का जो ब्यूटी है ये देखने के लिए काफ़ी फॉरेनर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और कहते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आधा करके छोड़ दिया है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन फिर भी जितना बना हुआ है यहाँ पे आना और इतना खूबसूरत एक अंडरग्राउंड केव देखना, टेम्पल देखना, मेरे लिए तो बिल्कुल सौभाग्यजनक है। आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा। एक्चुअली इस वीडियो में मैंने आपको दो चीज़ कवर किया, एक तो शनिवार वाड़ा और एक आपका एक केव पतलेश्वर केव। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, जब मैं आपको दिखाऊंगा मेरा इस दिन में और मैंने कहाँ कहाँ पे घूमा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, गुड बाय। देखो ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए अलग से परमिट लेना पड़ा, बट लेकिन 5 हेडेड मतलब आप देखो इसके ऊपर ना 5 ग्राम एक साथ में है, मतलब एक साथ में 500 अलग अलग, तो इसके लिए कितना लंबा और कितना मेहनत प्रैक्टिस चाहिए आपको अंदाज बना रहे हो।